जालौर जिले में भारी बारिश के बाद माही बांध ओवरफ्लो होने से समुद्री क्षेत्र में लूनी नदी में पानी का बहाव पहुंचा। पानी का वेग तेज होने के कारण प्रशासन ने पहले से ही बहाव वाले क्षेत्रों से लोगों को निकलने की अपील की थी, लेकिन कुछ परिवार कृषि कुओं पर ही ठहर गए। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। देर शाम पानी बहल गया, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। इस पर प्रशासन हरकत में आया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए, लेकिन रात्रि को अंधेरा होने के कारण लोगों को निकालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। SDRF की टीम मंगलवार सुबह पहुंची और रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। करीब 60 लोगों को खरंटिया विद्यालय में रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। बिपरजॉय तूफान के बाद नदी बांध फुल हो गए हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी इलाके में सुकड़ी नदी में पानी आने पर तेज वेग होने के कारण खरंटिया और मजल गांव के 25 परिवारों के 60 से ज्यादा लोग फंस गए थे। SDRM टीम ने इस लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा। समदड़ी इलाके की सुकड़ी नदी में अचानक पानी आ जाने से इलाके के मजल व खरंटिया गाँव के 25 परिवारों के 60 से ज्यादा लोग फंस गए। जानकारी मिलने पर SDM दिनेश विश्नोई, DSP नीरज कुमारी शर्मा सहित स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर की मदद से लोगों को निकालने का काम शुरू किया। SDRF टीम ने मौके पर पहुंचकर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। फंसने वालों में बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी थे। समदड़ी तहसीलदार हरवंत सिंह के मुताबिक समदड़ी इलाके में बहने वाली सुकड़ी नदी में पानी ज्यादा आ जाने के बाद उफान व तेज वेग से पानी बहने लगा। यहाँ की 3 रपटों में पानी के तेज बहाव के चलते खेतों में रहने वाले कुछ परिवार पानी में फंस गए थे। जानकारी मिलने पर प्रशासन व पुलिस मौके पर पहुंची। SDRM टीम ने फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये सभी लोग मजल और घंटिया गांव में फंसे गए थे। तहसीलदार का कहना है कि अलग अलग जगहों से 60 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। DSP नीरज कुमार शर्मा के मुताबिक चक्रवाती तूफान के बाद लूनी नदी में पानी का बहाव तेज हुआ। समदड़ी के गांव ढींढस, मजल, कोटड़ी में नदियां वेग के साथ बह रही थी। कुछ मार्ग बंद हो गए, वहां पर पुलिस जाप्ता लगा दिया गया है। इसके बावजूद लोग आवाजाही कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि रपट पर नदी के वेग बहुत तेज है, इसे क्रॉस करने की कोशिश नहीं करें, वहां से नहीं निकलें। वहीं बारिश के बाद नाडी, तालाब, कई गड्ढों में पानी भर गया है, इसलिए छोटे बच्चों को इससे दूर रखें।